सबको नमस्कार, केम छो, मजामा। आज मैं गुजरात के व्यापारियों से बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीने में गुजरात में लगातार जा रहा हूँ, मैं कई व्यापारियों से मिला गुजरात के। इतने डरे हुए हैं गुजरात के व्यापारी, इतने डरे हुए हैं। वो कहते हैं जी हमें इतना डराते हैं, धमकाते हैं, इनकम टैक्स की रेड की धमकी देते हैं, CBI की रेड की, ED की रेड की धमकी देते हैं। बोले हर पॉलिटिकल रैली के लिए हमसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है और इतना ज़्यादा इनको डराया जाता है। मैं आज गुजरात के व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारी सरकार बनेगी, ये डर का माहौल ख़त्म करेंगे। जिस समाज में व्यापारी इतना डरा हुआ रहता है, उस समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी बढ़ नहीं सकती है। व्यापारियों को तो हमें खुला माहौल देना होगा, खुल के इज्जत के साथ काम करें। व्यापारियों को इज्जत देंगे, डर का माहौल ख़त्म करेंगे, सारे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। इतने जानबूझ के इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना रखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कानून बना रखे हैं, और व्यवस्था बना रखी है, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, रेड राज ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। क्योंकि हमारी ईमानदार पार्टी है, ना हम पैसे लेते हैं और ना किसी अफसर को पैसे लेने देंगे। इंस्पेक्टर राज, रेड राज ख़त्म किया जाएगा। अब आपको सरकारी महकमों में जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप काम करो, अपने धंधे पे ध्यान दो, सारा ध्यान अपने धंधे पे दो, आपको सरकार की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मुझे बताया गया कि वैट के कई सारे पुराने केसेस पेंडिंग हैं, एक वैट एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे ताकि आपके सारे पुराने केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, और वैट के जितने रिफंड पुराने पड़े हैं 6 महीने के अंदर आपके सारे पुराने वैट के रिफंड दे दिए जाएंगे। आपको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, गुजरात के विकास के लिए भागीदार बनाना चाहते हैं, आपको सम्मान दिया जाएगा, डर का माहौल ख़त्म किया जाएगा। 27 साल से आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, एक मौका मुझे दे के देख लीजिए। 27 साल पुराना प्रोडक्ट है, अभी है मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, मार्केट में नया माल आया है, एक बार ट्राई करके देखिए। पुराना इंजन हो गया उनका, जंग लग गया उस इंजन को, मार्केट में नया इंजन आया है, नई टेक्नोलॉजी वाला, नई सोच, नई विचारधारा, नए चेहरे। एक बार साथ दीजिए, एक बार मौका देख के देखिए। नमस्कार।